हेलो दोस्तों, जैसा कि गर्मियाँ पड़ रही हैं और रोज़ हम कई तरह की कई प्रकार की आइसक्रीम बनाते हैं, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिना किसी मिलावट के मटका कुल्फ़ी, मटका रबड़ी आइसक्रीम और रोल कट, वो भी बिना किसी मिलावट के। और बहुत ही आसान तरीका है बनाने का और बच्चों को बना के खिला सकते हैं, या जब भी आपका मन करे आप फटाफट बना के खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 6-7-8 बादाम ले लिए हैं, 6-7 काजू ले लिए हैं और मखाने का लावा ले लिया है। वाइट कलर का होता है, गोल गोल। तो सबसे पहले मखाने के लावे को ना मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है और उसको हम निकाल लेंगे हल्का दरदरा सा। उसके बाद इसी में वापस से मैंने काजू और बादाम को भी पीस लिया है। तो काजू बादाम को भी हमने अच्छे से पीस लेना है। और उसके बाद ये देखिए, और उसके बाद कढ़ाई में मैंने यहाँ 1 लीटर दूध लिया है, कोई भी दूध आप ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने अमूल का लिया है 1 लीटर दूध। उसको अच्छे से हमें उबालना है। तो इसको अच्छे से हमें लगभग 10-15 मिनट तक इसको अच्छे से उबाल लेना है। उबालने के बाद इसको रख देना है ठंडा होने के लिए। और अब एक भगोने में मैंने यहाँ 2 चम्मच चीनी ली है। इसको हम कैरेमल बनाएंगे, कैरेमल शुगर। इससे ना रबड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा, मतलब रबड़ी का फ्लेवर आता है। तो इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाल दी है और इसको ना धीमी आंच पर इस तरीके से चलाते जाएंगे। तो जब इसका कलर ना हल्का सा ब्राउन हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, जब हल्का सा लगे कि आपको ये ब्राउन हो रहा है, तब इसमें हमें दूध को मिला देना है। तो बहुत ही आसान तरीका, इतनी आसानी से बिना किसी तामझाम के, ना कंडेंस मिल्क, ना कुछ भी नहीं, ना कॉर्नफ्लोर, तो आप आसानी से आइसक्रीम बना सकते हैं। और वो भी बहुत ही मलाईदार, एकदम क्रीमी क्रीमी से आइसक्रीम बनेगी आपकी। और हेल्दी भी है। तो डाल देंगे, और एक कटोरी मैंने यहाँ मलाई भी रखी थी, तो ये दूध की ही मलाई थी, इसको भी मैंने इसमें मिला दिया था। तो ये देखिए, अच्छे से इसको उबालेंगे थोड़ी देर के लिए। तो लगभग 10 मिनट के लिए इसको उबाल लेंगे और वापस से इसको, मतलब जो दूध हमने गर्म किया था वही इसमें मिलाया है। और उसके बाद इसमें 1/4 कप हम चीनी डाल देंगे। चीनी आप ज़्यादा कम, जैसा मीठा पसंद करते हैं डाल सकते हैं। मतलब 1 कप चीनी, अगर 1 कप का आधा चीनी आपको डालना है, यहाँ 1/4 कप मैं डाल रही हूँ। तो जैसा देख ले, रबड़ी जैसा टेक्सचर भी आ गया है इसका, क्योंकि इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स जो पीस के रखा था वो भी मिला दिया था। तो उसको मिला देंगे। तो ज़्यादा देर, बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है। आपको लगे कि हल्का सा ये गाढ़ा हो गया है, तो इस स्टेज पर आपको ना ड्राई फ्रूट्स को मिलाकर 1 मिनट बाद इसको उतार लेना है। और अब यहाँ मैंने 2 कुल्हड़ लिया है, उसमें मटका लिया है छोटा छोटा सा, उसमें मैंने इस मिक्सचर को डाल दिया था दूध वाले, और अच्छे से इसको मैंने फॉयल पेपर से कवर कर दिया था। आपके पास कोई पॉलीथीन हो उससे भी आप कवर कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें रबर बैंड लगा देंगे। और ये देखिए, तो दो मैंने यहाँ मटका लिया है, उसमें छोटा सा उसमें मैंने डाल दिया है, और एक मैंने मीडियम साइज़ का ग्लास लिया है। तो सभी में डालकर अच्छे से कवर करके उसमें रबड़ लगा दिया है। और फ्रिज में इसको लगभग 7-8 घंटे के लिए इसको हम रख देंगे। और 7-8 घंटे हो चुके थे, तो मैंने इसको ना सुबह में बना कर रख दिया था, और दोपहर में 3-4 बजे इसको निकाला था, और सुबह में मैंने इसको बनाकर, सुबह ही सुबह मतलब 8-8 बजे इसको रख दिया था। और ये देखिए, अब ये बहुत ही, और हाई टेम्परेचर पर रखिएगा। ये देखिए, तो ये ग्लास का निकाल के देख लेते हैं। और जैसे नहीं निकल रहा है ना, तो थोड़ा सा आपको पानी लेना है, उसी पानी में ग्लास को डाल देना है, और बिल्कुल सेम प्रोसेस से आपको इस आइसक्रीम को निकालेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। तो जैसा कि देख रहे हैं, कोई भी आइस क्रिस्टल आपको नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी मलाईदार, मतलब बिल्कुल मलाईदार, एकदम अच्छी सी रोल कट ये रबड़ी कुल्फ़ी तैयार हुई है। और खाने में मतलब इसका टेस्ट इतना अच्छा था ना, कि मतलब आप बनाएंगे ना तो आपको यकीन नहीं होगा कि आपने इसको बिना किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ बिना मिलाए बनाया है। और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ रहा था। इसमें ना आप थोड़ा सा इलायची भी डालिएगा, मैं थोड़ा भूल गई थी बताने के लिए, सॉरी। तो दूध में ना आप इसमें
तीन चार इलायची भी डाल दीजिएगा। इलायची का पाउडर हो या इलायची के सीड्स हो निकाल कर उबालते वक्त ही दूध में डालिएगा। और ये देखिए अब मटका वाली भी हम आइसक्रीम देख देते हैं अच्छे से सेट हुई है कि नहीं हुई है, जमी है कि नहीं जमी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मटके की आइसक्रीम भी जम गई है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और ये देखिए दूसरा वाला भी आपको खोल के दिखा देते हैं। तो जैसा कि देखिए ये वाली भी बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। अभी ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी है ये देखिए, तो अभी निकाल के देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा ठंडी है तो इसलिए ये नहीं निकल रही है। ये देखिए बहुत ज़्यादा ठंडी है तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ रही है इसको निकालने के लिए। तो थोड़ा पानी में मैं इसको इस तरीके से डिप कर दूँगी और पानी में डिप करने के बाद आप देखेंगे कि जो है ये अच्छे से मतलब हल्का सा क्रीमी क्रीमी सा इसका टेक्सचर दिखेगा, थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद इसको खाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ना बहुत ही ज़्यादा क्रीमी क्रीमी बनी है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर, बिल्कुल जैसा रबड़ी होता है ना वैसे इसका फ्लेवर भी आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। जैसे कि ठेले वाले मटका कुल्फ़ी देते हैं वैसे ही लग रही है। तो बनाइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है।